नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। बुधवार सुबह एमसीसी ने क्रिकेट के नए नियमों के बारे में जानकारी देते हुए कई बड़े नियम में बदलाव किए, जिसमें सबसे विवादित मार्केटिंग भी शामिल है। मार्केटिंग बल्लेबाज को आउट करने का वो तरीका है जिस पर अक्सर विवाद होना आम बात है। क्रिकेट में पिछले कई सालों से मार्केटिंग के रूप में बल्लेबाज को आउट करते देखा गया है, जिसमें भारत के महान कप्तान कपिल देव का नाम भी शामिल है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध गैरी कर्स्टन को आउट किया था। लेकिन इसमें जो सबसे विवादित वाक्य रहा वो था आईपीएल 2019 में रविचंद्रन अश्विन और जॉस बटलर के बीच, जिसने क्रिकेट जगत को दो हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन एमसीसी ने बुधवार को मार्केटिंग लीगल करार देते हुए उसे साधारण रनआउट की श्रेणी में जगह दे दी है, यानी कि अब नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को भी सीमा रेखा के अंदर रहना अनिवार्य है। लेकिन अब जब से मार्केटिंग के नियमों में बदलाव की खबर सामने आई है, तब से ही फैंस ने अश्विन के मजे लेने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी अश्विन की टांग खिंचाई कर दी। सहवाग ने अश्विन के मजे लेते हुए ट्वीट किया कि बधाई हो अश्विन, आपके लिए ये एक अच्छा सप्ताह है। पहले भारत के लिए टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, तो अब बटलर के साथ इस तरह के रनआउट की साजिश रचने की पूरी आजादी। आपको बता दें, क्रिकेट में और भी कई नियम में बदलाव किए गए हैं, लेकिन मार्केटिंग की चर्चा सबसे ज्यादा की जा रही है, जिसका कारण खुद रविचंद्रन अश्विन है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में रविचंद्रन अश्विन इस नियम का कितना फायदा उठा पाते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।